हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट कार्बनेट्स कंपाउंड की लास्ट क्लास है सोप एंड डिटर्जेंट करेंगे इसके बाद हम लोग करेंगे पूरी की पूरी एन सी आर टी के इंटेक्स क्वेश्चन एक बार आप लोग देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन के बाद में फिर आप इसके एक्सटेक्सट एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे फिर इसका टेस्ट पेपर करेंगे तो सोप्स की हम बात करते हैं सबसे पहले सोप्स आर क्या होते हैं भाई सोप्स क्या होते हैं बच्चों आपने देखे है ना कार्बन चेन कार्बन कंपाउंड्स देखे आपने आपने जो कार्बन कंपाउंड देखे वो कैसे देखे आपने देखे कि कार्बन कंपाउंड में लॉन्ग चेन हुआ करते हैं कार्बन कंपाउंड में जो है वो लॉन्ग चेन हुआ करती हैं, ओके ये लॉन्ग चेन हुआ करती हैं। अगर इन लॉन्ग चेन में अगर आप c डबल ओ एच ग्रुप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड अरे बच्चों लोगों ये तो कह दो सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दो चलो मैं कहने वाला था चलो हम पढ़ाना शुरू कर दिए हमें बाद में दिखा, ही नहीं करी तो ये होते हैं बच्चों और में अगर आप में आप लगा देते हैं, कार्बन अगर आप यहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा देते हैं लॉन्ग चेन में इसका मतलब ये क्या बन जाता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड तो ये है अपने पास फैटी तो आपको करना क्या है इसका हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर देना है फैटी एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसकी जगह पे आपको लगा देना है सोडियम एन तो यदि यहां पर ये यह सोडियम लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा तब आप इसे कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे यस सर यस तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों इसी को हम बोलते हैं सोप तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैट्स एसिड को ही सोप बोला जाता है फिर डिटर्जेंट क्या होता है बेटा सोप जो होता है ना ये वाला जो पार्ट होता है ये सोडियम सॉल्ट लगा देते हैं तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट मतलब ये लंबी सी कार्बन चेन और इसमें हाइड्रोजन को हटा करके सी डब्लो एन ए तो ये बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड ठीक है ना अब यदि आप जो है सोप के बाद पढ़ेंगे डिटर्जेंट तो डिटर्जेंट क्या होते हैं बेटा सोप हर जगह काम में नहीं आता है कहां पर नहीं आता है समंदर के पानी में समंदर के पानी में क्यों सोप काम में नहीं आता है क्योंकि समंदर के पानी में बच्चों बहुत हैवी हैवी आयन डिजोल्व हुआ करते हैं किसके आयन मैग्नीशियम के आयन और कैल्शियम के आयन समझ गए ना मैग्नीशियम के आयन और कैल्शियम के आयन जो होते हैं वो डिजॉल्व हुआ करते हैं तो इनके साथ सोप जो है वो काम नहीं कर पाता है तो फिर आप क्या करते हैं फिर आपको बनाना पड़ता है डिटर्जेंट तो डिटर्जेंट में बस थोड़ा सा फर्क है डिटर्जेंट में जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है उसमें सी डबल ओ के साथ एन नहीं जोड़ना है सोडियम सॉल्ट नहीं जोड़ना है आपको क्या जोड़ना है आपको जोड़ना है एच एस ओ थ्री जी हाँ एच एस एच एस कौन सा आयल होता है बच्चों सल्फोनेट ये होता है सल्फोनेट तो जो डिटर्जेंट होते हैं बच्चों वो सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं और जो सोप होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं बोलो आया समझ में कि नहीं आया डिटर्जेंट सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और जो सोप होते हैं वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बोलो डन क्लियर की नॉट क्लियर यस यस सर क्लियर ओके तो अब इनके बारे में हम डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे सल्फोनेट और सोप के बारे में सॉरी सोप एंड के बारे में बच्चों दो ग्रुप होते हैं बच्चों सोप में एक लंबा वाला कार्बन वाला चेन का ग्रुप होता है ये देखो एक लंबा वाला ये जो कार्बन चेन का लंबा ग्रुप हुआ करता है जितने कोने आपको दिख रहे हैं ये कार्बन है अब समर्थ ये पूछेगा सर कितने कार्बन होते हैं सोप बनने के लिए लगभग कार्बन नंबर 17 से सोप बनना शुरू हो जाता है देख लेते हैं यहाँ पे काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन जी हाँ तो बिल्कुल ये सोप बन जाएगा क्योंकि 18 कार्बन है तो लगभग 15 या 16 कार्बन से साबुन बनना शुरू हो जाता है

फैटी इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं तो इसलिए मोटा हो जाता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड तो इसमें बेटा दो पार्ट होते हैं एक कार्बन चेन वाला पार्ट जिसको हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं और एक ये जो पार्ट होता है बेटा जिसमें कि आयन जुड़ा होता है बेटा ये जो पार्ट होता है ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट कहलाता है बेटा हाइड्रोफोबिक और ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं सोडियम वाले पार्ट को इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलो समझ में आया सर कौन सा वाला देखो समझ में नहीं आ रहा सोडियम सोडियम वाला बेटा सोडियम मोबाइल को तुम बेटा पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल ठीक है 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 अब आ गया सर तो ये जो पार्ट है बेटा ये जो कहलाएगा इसमें सोडियम वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा हाइड्रोफिलिक ये पानी के साथ घुल जाता है ये पानी में जाएगा पानी के अंदर है ये वाला पार्ट पानी को पकड़ के डिजोल्व हो जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये पानी से डर डरता है पानी से नफरत करता है तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये पानी में पानी से दूर रहेगा बोलो समझ में आया सर यस तो यदि मैं आपको बताऊं तो क्या होता है जैसे मान लो डर्ट डर्ट सर मतलब... सर 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 हाइड्रो जो जो होता होता है है वो पानी के साथ में हो जाता है। और हाँ... आ, जो होता है वो नहीं होता नहीं होता है ना हाइड्रोफोबिक जो होता है वो पानी से दूर रहता है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है उसमें सोडियम आयन जो होता है वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है वो पानी को जकड़ लेता है अब देखो जैसे आपके पाल मान लो कपड़े में कोई डर्ट लगी हुई तो डर्ट क्या होता है बेटा डर्ट मतलब धूल पसीना मिट्टी और आपकी बॉडी का फैट है ना पसीना जो होता है फैट है तो ये बेटा जो आपको दिख रही है डर्ट है तो डर्ट जैसे ही आप ले करके आएंगे तो डर्ट को क्या होते हैं घेर लेते हैं सोप के पार्टिकल तो ये देखो ये सोप का पार्टिकल है ये कौन सा पार्ट है हाइड्रोफिलिक सॉरी हाइड्रोफोबिक और ये जो है ये आयन वाला पार्ट है जिसका नाम मैंने दिया सोडियम यस तो दो पार्ट है तो इस तरीके से यहाँ से भी ये डर्ट को घेर लेंगे ये सोडियम और ये डर्ट को आप अपनी बुक चाहे तो ओपन कर सकते हैं ऐसा एक डायग्राम आपको दिखाई देगा ठीक है ना यस तो ये देखिए ये लोग सब लोग जो मिल करके पूरी इसकी डर्ट की घेराबंदी कर लेंगे ये डर्ट को पूरे चारों तरफ से घेर लेंगे पूरे तरफ से घेर करके बनाएंगे और एक कंपेक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें बिचारी जो डर्ट है बीच में फंस जाएगी और बाहर से किसी भी आने की परमिशन डर्ट से जुड़ने की नहीं होगी मतलब इन लोगों ने डर्ट को घेर लिया तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है बच्चों इसको हम बोलते हैं मिसेल क्या बोलेगे इस स्ट्रक्चर को मिसेल समझ में आया यस yes, ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसको हम सर एक बार आप डायग्राम दिखा दीजिए बिल्कुल देखिए डायग्राम मिसल देख लीजिए डन सर दो मिनट हाँ, में बना रहा हूं हाँ हाँ बुक में बना हुआ है बेटा देख लो बुक में देखो एनसीआरटी में सर, बनाना नहीं है? बना लो बनाना हो तो वैसे बुक में बहुत खूबसूरत बना हुआ है ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है आता एग्जाम में आएगा तो पक्का बनाना पड़ेगा फोर मार्क्स का सर, इसका नाम क्या है इसे मिसेल बोलते है मिसेल मिसेल ओके सर ओके चले आएंगे सर शायद ये डिलीट हो गया है हाँ डिलीट हो गया है देख लेना डिलीट हो गया हो तो मत करके जाना फिर ऐसे समझ लो बस चलिए तो ये आते हैं हम थ्योरी पे आ जाते हैं पढ़िए स्वास्थ्य पढ़िए असोप असोप इज इज द सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच हैज cleansing property in water sodium stearate देखिये सोडियम सत्रह कार्बन वाला सोप है जो हम घर में यूज़ करते हैं तर, कार्बन का सोप हुआ करता है कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो सेवनटीन कार्बन की चेन है फिर उसके बाद सी डब्लो एच की जगह हटा करके एने वाला पार्ट जो है ये जोड़ करके आपको सोडियम स्टेरेट बन गया है सोप का फॉर नाम होता है सोडियम स्टेरेट ओके अब देख लीजिए इसमें इसमें जो पार्ट हुआ करते हैं इसमें जो ये वाला पार्ट है लॉन्ग कार्बन चेन वाला पार्ट बेटा इसको बोलते हैं नॉन आयोनिक ये नॉन आयोनिक होता है ये पानी में घुलता नहीं है और ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं सी डब्ल्यू एन ए वाला ये आयोनिक पार्ट होता है ये पानी में सल्यूबल होता है और पानी को प्यार करता है इसलिए बोलते हैं है हाइड्रोफिलिक बोलो क्लियर है बच्चों yes, बस एक एग्जाम्पल बना देंगे और वो मिसल का स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे क्लियर बन जाएगा यस सर चलिए

है ना मे बी आपके घर में भी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की समस्या हो सकती है आपके घर में अगर आर आपका जो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम एक्वागार्ड प्योरेट कैंट जो भी लगा है अगर वो जल्दी जल्दी उसका सिलेंडर बदलना पड़ रहा है अगर उसके यहाँ उसका जो सिलेंडर होता है उसका जो फिल्टर होता है जल्दी जल्दी, जल्दी बदलना पड़ रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि जो आपके यहाँ पानी आ रहा है उसका पानी हार्ड है है ना उसमें हार्ड पानी है बोलो भाई आपके यहाँ आरो लगा है बच्चों दोनों बच्चे किसी के यहाँ लगा है कि नहीं लगा, लगा, प्योरेट। प्योरेट लगा। हाँ तो प्योरेट है तो बेटा देखा होगा स्वास्थ्य की जब वो प्योरेट वाले भाई साहब आते हैं तो वो हाथ में एक मीटर लेकर के आया करते हैं उसमें एक पट्टी लिखनी रहती है और उसको वो पानी के गिलास के अंदर डाल देते हैं बोलो हाँ ना यस सर देखा ना और उसके बाद बोलते हैं कि आपके पानी का टी इतना है सुना आपने हाँ, हाँ टीडीएस तो आपने अपने घर के पानी का टीडीएस कुछ सेट करवा के रखा होगा 80 से लेके 160 के बीच में करवा के रखा है कि नहीं करके रखा है हाँ, सर। हाँ, हाँ, सर। पता नहीं हाँ तो चेक करिएगा पापा से पूछिएगा मम्मी से पूछिएगा जो रहते हैं वहां पे तो उन्होंने टी डी एस सेट करवा के रखे रखा होगा कि हमको इतने टी डी एस का पानी पीना है तो टी डी एस का मतलब होता है टोटल डिजोल्व सॉल्ट टोटल डिजॉल्व सॉल्ट तो क्या करता है बेटा ये जो आपका आर होता है ना ये उसके अंदर जो सॉल्ट घुला होता है पानी के अंदर उसको ये ये कंट्रोल करता है उसको ये क्या करता है कंट्रोल करता है सॉल्ट जो होते हैं उसको ये लेवल में रखता है तो कई जगह क्या होता है बच्चों की सॉल्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है टीडीएस मतलब मान लीजिए कि 160 तो ठीक है मान लीजिए टी जो होता है चार साढ़े चार के ऊपर होता है इतना भयंकर टी डी एस सात सौ डी एस का होता है तो इतने टी डी एस का जो लोग पानी पीते हैं उनको भयंकर गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं किडनी विडनी उनके गुर्दे वुर्दे पूरे ख़राब हो जाते हैं छानते छानते पानी को पूरा उनका गुर्दा वगैरह निपट जाता है तो इसलिए क्या होता है लो टी डी एस का पानी पीना चाहिए और वो टी को सेट करके पानी पिया जाता है मगर इसका मतलब ये नहीं कि लो टी का मतलब आपने सॉल्ट को निपटाई दिया सॉल्ट को जीरो मत करो नहीं तो आपकी बॉडी में जो बाकी मैग्नीशियम की जरूरत है कैल्शियम की ज़रूरत है जो पानी के थ्रू पूरी होती वो खत्म हो जाएगी समझ गया ना फिर आपको दूसरी बीमारियाँ हो जाएंगी तो एक निश्चित लेवल का आपको टी मेंटेन करके रखना पड़ता है तो ये क्या करता है आर जो होता है आपका एक्वा कार्ड जो होता है उसमें जो फिल्टर लगे होते हैं अलग अलग ये इसी को कंट्रोल किया करते हैं सॉल्ट को कंट्रोल करते हैं ठीक है आ गया समझ में क्लियर है यस yes, हाँ तो जहां जिस पानी में बेटा सॉल्ट ज्यादा मिले होंगे मैग्नीशियम आयन ज्यादा होगा कैल्शियम आयन ज्यादा होगा वहां का पानी बहुत हार्ड होगा बहुत हार्ड वाटर होगा अगर आप लोगों ने चार जगह का पानी पिया है तो चार जगह के पानी का स्वाद आपको अलग अलग फील हुआ होगा है ना कई जगह आपको खारा पानी मिला होगा गुजरात वगैरह जाइए आपको पानी में थोड़ा सा हल्का हल्का खारा पन नमकीन पान सा मिलेगा ठीक है ना इधर का पानी आपके घर तरफ का बहुत अच्छा बहुत मीठा पानी निकलता है स्वास्थ्य ठीक ना अलग अलग जगह आप जाएंगे आपको पानी जो है अलग अलग टेस्ट का मिलता है वो किस वजह से होता है वो सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से ही होता है बोलो है ना <coughs> यस तो जहां पर सॉल्ट ज़्यादा है बच्चों वहां पर हार्ड वाटर है और जहां पर सॉल्ट कम है वहां पर सॉफ्ट वाटर है याद रखिएगा जो हार्ड वाटर होता है वो झाग नहीं देता है मतलब उसमें आप साबुन रगड़ते बैठे रहो वो झाग नहीं देगा समझ गए ना तो जिन जगह हार्ड वाटर होता है वो झाग नहीं दिया करता है और जिन जगह सॉफ्ट वाटर होता है थोड़ा सा साबुन लगाओ भन भना के झाग आता है बहुत सारा झाग आता है समझ गए ना क्लियर हो गया पढ़ो स्वास्थ्य सॉफ्ट वाटर इजली सॉफ्ट वाटर इजिली जनरेट लेदर फॉर्म विथ सोप बट हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वेन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म अ पर्टी प्रिपिटेट इंस्टेड ऑफ लेदर हाँ तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो क्या होता है जैसे कि आपने साबुन ले करके गए और आपने ए, हार्ड वाटर में चले गए तो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम का साल्ट पाया जाएगा जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड तो ये क्या करेगा अब ये जो सोडियम भग जाएगा यहाँ से और सोडियम के हटा करके ये खुद का सॉल्ट बना लेगा मैग्नीशियम के साथ समझ गए ना ये बना लेगा खुद का सॉल्ट इस सॉल्ट को बोलते हैं स्कम इस इसको बोला करते हैं एस सी यू एम इसकम और ये जो होता है ये पानी में घुलता नहीं है ये जो पानी में घुलता नहीं है इसलिए जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते वो सफाई नहीं करते कपड़ों की उल्टा उनमें से सोडियम पार्ट हट करके भग जाता है क्लोरीन के साथ और वो बना लेता है मैग्नीशियम के साथ इसकम। तो इस्कम एक पिलपिले टाइप का सोपी बिल्कुल पिलपिले टाइप का सब सबस्टैंस हुआ करता है एक, एक प्रेसिपिटेट होता है पिलपिले टाइप का जो कि पानी में घुलता नहीं है नीचे चला जाता है अगर आपको इस कम देखना हो तो आप कर सकते हैं क्या करिए बच्चों कि आप अपने हाथों में सरसों का तेल लगाइए अपने हाथों में जो है आप सरसों का तेल लगाइए और सरसों तेल के लगाने के लगाने बाद अपने हाथ को आप साबुन से धोइए तो आप देखिएगा सरसों का तेल लगाने के बाद आपका साबुन जो है अच्छे से हाथ साफ नहीं करेगा बल्कि पिलपिला पिलपिला कुछ टाइप का जो है आ, कुछ सोपी टाइप का कुछ एक सबस्टांस बन जाएगा येलोइश कलर का बोलो हाँ yes, देखा

soap cannot form leather in hard water हुँ. detergents on the other hand are less likely to form this scum हुँ. detergents are the sodium salts of long chain benzene sulfonic acids which has more cleansing property in water than soap हुँ. yes. तो देखिए क्या होता है सोप में जो ये बनता है ना ये सबस्टेंस ये डिजोल्व हो जाता है पानी में ठीक ना इसमें जो इसके सॉल्ट बनते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं इसमें ये अनडिज़ोल्व होकर के स्कम बना लेता है मगर इसमें डिज़ोल्व हो जाता है इसलिए इसमें स्कम की समस्या सामने आपके नहीं आती है तो जो आपके डिटर्जेंट होते हैं उनकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी सोप से बहुत अच्छी होती है आपने आज तक समुद्र के किनारे किसी को साबुन घिसते नहीं देखा होगा कि कोई महापुरुष बाल्टी और डिब्बा लेकर के साबुन के साथ गए हों और समुद्र में वो साबुन घिस घिस करके नहा रहे हों क्योंकि वहाँ पर समंदर में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है पानी के अंदर आप कितना अच्छा साबुन ले जाइए साबुन काम नहीं करेगा समंदर के पानी में ठीक है बच्चों yes, समर्थ भाई क्लियर है समर्थ यस सर ओके चलिए तो ये बेटा आपका चैप्टर क्लियर yes, है ना हाँ भाई हाँ भाई थोड़ा लैग होती है आपकी आवाज देर में आती है भाई तो ये हो गया आपके पास में ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए थ्योरी में कोई डाउट है बच्चों ये जो मैंने पढ़ाया आपको ए पी पी टी मैंने भेज दी है देख लीजिए एक बार कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए फिर इसके बाद आगे का काम तो, करते हैं हाँ बेटा बोलो किसी सीरीज का नेक्स्ट मेंबर इफ निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है हमने बताया था बेटा पिछले वाले से अगले वाले में केवल सी एच टू का फर्क होता है तो एक कार्बन जोड़ दो और एक हाइड्रो दो हाइड्रोजन जोड़ दो नेक्स्ट वाला जाएगा क्लियर तो एक एक। हाँ, क्या? So, उसमें एक तो उसको मिला के अगर तीन कार्बन हो रहे तो फिर नेक्स्ट वाले हाँ तो नेक्स्ट वाले में अपने चार कार्बन हो जाएंगे उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा मगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है सी डब्ल्यू एच है वो तो बेचारा पहले भी सी डब्लू एच रहेगा अगले ग्रुप में भी cwh लगा रहेगा तो जो चेंज आएगा वो आपकी बाकी वाली कार्बन चेन में आएगा इसमें आएगा अगर ये मान लो मेथिल थी तो अगली वाली एथिल बन जाएगी फिर अगली वाली प्रोपिल बन जाएगी समझ में आया Yes सर हां तो ये इसमें ch2 ch2 आप ऐड करते जाइए और सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आगे आगे ठीक है यस yes, चलिए तो इस शीट में जो मैंने भेज दी आप लोग को एक बार देख लीजिए यदि कोई दिक्कत हो कहीं पर भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो एक बार जल्दी से देख लीजिए उसको सरसरी निगाहों से देख करके मुझसे पूछ लीजिए कि सर कहाँ पे प्रॉब्लम है उसके बाद हम आगे चीज बताएं नहीं है कोई प्रॉब्लम तो डन सर बोल करके आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान कीजिए हाँ सर मैं दो मिनट में देख देख लो एक बार ये जो हमने थ्योरी शीट आपको दी है डन सर ओके गुड चलिए हाँ बेटा बच्चों एनसीईआरटी निकाल लीजिए एनसीईआरटी में सबसे पहला काम है बच्चों आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं फाइल मैंने आपको दे दी है देखिए ध्यान से एनसीईआरटी पार्ट टू। अभी-अभी मैंने भेजी है एनसीईआरटी टू एंड वन इन टेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन देख करना है अभी बेटा दो फाइल भेजी ना एनसीईआरटी 2 ओपन कर लो हा टू नंबर टू नंबर हाँ टू नंबर ओपन करिए और टू नंबर ओपन करने के बाद सारे इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं देख करके मुझे बताइए मैं कौन सा आपको एक्सप्लेन करूं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इंटेक्स का इंटेक्स में मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर दूं जो आपको नहीं बन रहा है कोई सी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो प्लीज़ बताइए